देखिए, पहली बात तो ये, जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है उसमें कोई सच नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग अपनी तरफ से जो दिखाना चाहें वो दिखाते हैं। सच्चाई है, जो भी वीडियो वायरल हुआ है उसमें सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर आप एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाएंगे और अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद या फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे, तो फिर बंदा किसी तरीके से तो रिएक्ट करेगा या फिर हंस के चला जाएगा। तो सिर्फ यही कारण था कि वहां पर 2 या 3 पाकिस्तानी लोग थे जो एंटी इंडिया चीजें बोल रहे थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे थे और कश्मीर के बारे में बोल रहे थे, तो ऑब्वियसली वो नेचुरल रिएक्शन है। मैं अपने देश के बारे में या देश के अगेंस्ट कुछ सुन नहीं सकता हूँ, और इसी के कारण वो रिएक्शन था। अगर आप गालियां देंगे या देश के बारे में कुछ उल्टा बोलेंगे, अगर पर्सनली भी गालियां देंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हंस के चले जाऊं या कुछ ना बोल के चले जाऊं? उस तरीके का तो मैं व्यक्ति हूं भी नहीं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब आप स्पोर्ट देखने आए, जब आप मैच देखने आए, तो आप अपनी टीम को सपोर्ट करिए, ठीक है? वहां पर कुछ पॉलिटिकल करने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, कश्मीर का मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है, और हिंदुस्तान के बारे में गलत बोलने की जरूरत नहीं। आप अपने देश को सपोर्ट करिए। वहां पर हिंदुस्तानी क्राउड भी था, वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहा था, तो इसमें क्या खराबी है? आप मैच देखने आए ना, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप अच्छे आराम से प्यार से अगर सपोर्ट करते अपनी टीम को, तो उसमें क्या खराबी? तो मेरा मानना है कि सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी इंडिया पाकिस्तान खेले, तो दोनों ही देश के क्राउड्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने देश को सपोर्ट करिए, किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी व्यक्ति को, ना उसके देश के बारे में कुछ गलत बोलिए, ना कश्मीर के बारे में कुछ बोलिए। देखिए, तभी मैं कह रहा हूँ ना, सोशल मीडिया में जो दिखाया जाता है वो अपनी मर्जी से ट्विस्ट किया जाता है। सोशल मीडिया में दिखाया जाता है जो मन करता है उस तरीके से दिखाया जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया में सब कुछ तो कैप्चर होता नहीं है और सब कुछ तो दिखाया जाता नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर वहां पर इंडियन क्राउड था, वो अगर किसी को भी सपोर्ट कर रहा था, किसी के भी नारे लगा रहा था, तो मेरी तरफ से नहीं लगा रहा था। मैंने तो उन लोगों को रिएक्ट किया था जिन लोगों ने मेरी तरफ या फिर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। मुझे वहां पर 3-4 लोग इस तरीके के खड़े थे, तो उससे आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ना बोला जाए?